नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरदयाल है और आप देख रहे हैं सुपर ज्ञान चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ईपीएफओ में करेक्शन के बारे में। दोस्तों अगर आप लोगों का भी कुछ भी गलत है ईपीएफओ में, जैसे कि नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एग्जिट अगर गलत है, तो उसे किस प्रकार से आप सही करवा सकते हैं, इसका फुल प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ है जिसको आप ऑनलाइन सही कर सकते हैं, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, इसको आप ऑनलाइन सही कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसको आप ऑनलाइन सही नहीं कर सकते, जैसे डेट ऑफ एग्जिट आपने गलत डाल दिया है, उसको आप सही नहीं कर सकते, खुद से सही नहीं कर सकते, आपको उसके लिए ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको बताएंगे किस प्रकार से आप सही तरीके से ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर सकते हैं और किस प्रकार से आप उसे उसका प्रोसेस कर सकते हैं, इसका फुल प्रोसेस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दे, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ईपीएफ अकाउंट में कुछ भी गलत है तो उसको ऑफलाइन सही कराने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इस फॉर्म की जरूरत होगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म, जो आप लोगों को सबसे पहले इसका जरूरत होने वाला है। ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आप लोगों को ये पता नहीं कि फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं इसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आप ऑनलाइन भी सही करा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ऑफलाइन ही सही कराना होगा। जैसे कि आपके यहाँ पे नाम आप ऑनलाइन सही करवा सकते हैं, फादर नेम आप ऑफलाइन ही सही करवाना पड़ेगा, आपका ऑनलाइन सही नहीं हो पाता है। और ये उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ भी ऑनलाइन सही करा सकते हैं। डेट ऑफ लिविंग, तो यहाँ पर दोस्तों बता दें डेट ऑफ एग्जिट अगर आपने गलत मेंशन कर दिया है तो उसको भी आप ऑफलाइन ही सही करवा सकते हैं, ऑनलाइन सही नहीं हो सकता है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको ये फॉर्म भरना है और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। तो दोस्तों आपका किसी प्रकार करेक्शन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को आपके पास ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर डेट डालना है, जो डेट लिखा हुआ है यहाँ पर डेट डालना है जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अपने पीएफ ऑफिस का एड्रेस डालना है। दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने वेबसाइट का एड्रेस डाल दिया है, आपको अपने पीएफ ऑफिस का एड्रेस डालना है। उसके बाद दोस्तों एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे नाम डाला है, अगर आपका जो नाम आधार कार्ड में जो है और जो नाम आपका सही नाम है वो नाम यहाँ पर आप डालिएगा अपने पीएफ ऑफिस में। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने कंपनी का नाम डालना है, मैंने यहाँ अपने चैनल का नाम डाल दिया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर आपको जो करेक्ट एड्रेस है वो यहाँ पे फिल करना है। कुछ डिटेल आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ये पहले से लिखा हुआ है नेम, फादर नेम, जो आप करेक्शन कराना चाहते हैं यहाँ पहले से डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो करेक्ट करेक्ट है जो आपके आधार कार्ड में जो करेक्ट है और जो आप सही कराना चाहते हैं सही है बिल्कुल, वो यहाँ पर डालना है, राइट। तो आपको दोस्तों ये सारा नहीं भरना है, आप जो करेक्शन कराना चाहते हैं उसी को केवल यहाँ भर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए सारा भर रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आपके लगा लीजिए आप में केवल फादर नेम गलत है तो आप केवल फादर नेम ही यहाँ पे डाल सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे रॉन्ग जो फादर नेम होता है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये सारा भरने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए भरा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपका नाम गलत है तो यहाँ पर नाम डाल देंगे और जो रॉन्ग नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, जो सही नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, रॉन्ग नाम यहाँ पर डालेंगे। अगर आपको फादर नेम जो करेक्ट फादर नेम है आपके आधार कार्ड में जो है वो यहाँ पर डालेंगे और जो रॉन्ग है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ पर अगर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अपना, अगर ये सही है तो यहाँ पर डालेंगे, अगर रॉन्ग अगर होगा तो यहाँ पर डालेंगे। अगर उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर है अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर डाल देंगे, जैसे मैंने डाल दिया कि नॉट अवेलेबल। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर डेट ऑफ एग्जिट आपने डाला है यहाँ पे तो ये डेट ऑफ एग्जिट अगर आपने डाला है तो करेक्ट है, अगर आपने जो गलत डाल दिया है वो गलत यहाँ पर डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपना फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों आपको फिर से बता दें कि ये सारे डिटेल भरने की जरूरत नहीं है, जो आपका रॉन्ग होगा वही आप यहाँ पर फिल करें। उसके बाद ये दोस्तों नीचे और चलते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको सब फॉर्म को भरने के बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए वो चाहिए पैन कार्ड या वोटर कार्ड या आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनमें से किसी की भी हार्ड कॉपी आपको जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपका मार्कशीट है तो मार्कशीट भी साथ में लगा दें, और इसमें आधार कार्ड और पैन कार्ड और मार्कशीट अगर है तो मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी साथ में ले लें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है और सिग्नेचर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे आपके कंपनी का नाम होगा और उसका सिग्नेचर होगा, उसके बाद यहाँ पे कंपनी द्वारा मोहर लगाया जाएगा और सारी प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अगर आपके पास मार्कशीट है तो मार्कशीट लेकर आप अपने नज़दीकी जो पीएफ ऑफिस है आपका, उस पीएफ ऑफिस में जाके इस फॉर्म को जमा कर देंगे। सारा कुछ जमा होने के बाद
10 से 15 दिन के अंदर आपका जो जो गलत जो डिटेल ऐड किया गया था उसको सही कर दिया जाएगा। आप लोगों की कंपनी बंद हो चुकी है और दोस्तों आप यहाँ पे कंपनी का सिग्नेचर नहीं करा सकते, तो आपको जिस बैंक में आपका सैलरी आता था उस बैंक में जाके वह बैंक से आप सिग्नेचर और स्टम्प लगवा सकते हैं और वहाँ पे अपने पी ऑफिस में जाके जमा कर सकते हैं, आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।